नमस्कार दोस्तों दोस्तों तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, एसएससी जेई के लिए। एसएससी जेई का आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है जो मैं आज से स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद और जैसे जैसे रिस्पांस आएगा वैसे वैसे हम अपना जो है आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर फिलहाल फ्लूइड मैकेनिक्स है। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थर्मो डायनेमिक्स तो साथ के साथ चलता रहेगा, थ्योरी ऑफ मशीन जो भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनको हम स्टार्ट कर देंगे। वो डिपेंड करता है रिस्पांस के ऊपर, जैसे जैसे हमको रिस्पांस मिलेगा उस तरह से हम जो है क्लासेस आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो आज थोड़ा सा हम इसका सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। इसका सिलेबस है जो आपको, ये सिलेबस तो आपको आपका वेबसाइट पे, एसएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो जूनियर इंजीनियर का सिलेबस है। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो चीज़ें हम इसमें ना, ऐसा नहीं है कि हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे फिर उसके बाद उसका न्यूमेरिकल करेंगे, नहीं। एक कंसेप्ट लिया या फिर एक थोड़े से टॉपिक लिया उसके बाद उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, जो लास्ट ईयर में हमारे पास एसएससी जेई के जो इसमें न्यूमेरिकल है ना, पेपर में फर्स्ट में बहुत कम आते हैं। ठीक है, जो आपके जो क्वेश्चन होते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम होती है, वो आपके कंसेप्ट पे बेस्ड आपके पास जो है प्रॉब्लम आती है। एक न्यूमेरिकल टाइप है जो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है पेपर वन के लिए, लेकिन पेपर टू के लिए, ठीक है ना, एसएससी का जो पेपर टू होता है वो सारा का सारा सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और उसमें क्या है आपका जो है न्यूमेरिकल, उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन कुछ समझ आता है। इसमें आपके पास जो थ्योरी का कंसेप्ट बेस का जो है आपके पास इसमें पोर्शन आएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो थ्योरी के होंगे, लेकिन वो आपके कंसेप्ट बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा है जो कंसेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। तो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, और फ्लूइड की प्रॉपर्टी, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, ये तो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स के हम अंदर जो हमारे पास फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड फ्लूइड अब फ्लूइड ना, हमारे पास दो तरह के फ्लूइड होते हैं, एक गैसेस और एक लिक्विड। ठीक है, लिक्विड और गैसेस ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। अब ये जो हमारे पास फ्लूइड हैं, इन फ्लूइड फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करना, इनके बारे में पढ़ना, ठीक है, वो क्या होती है हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। उसके बाद आता है हमारे पास, अब ये फ्लूइड मैकेनिक्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है, तो फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होती है, फ्लूइड स्टैटिक्स होती है जब हमारे पास जो फ्लूइड है वो फ्लूइड एट अ रेस्ट हो, रेस्ट पोजीशन में हो, और उस टाइम पे हम उसको स्टडी करें। ठीक है, मींस फ्लूड के अंदर, ठीक है, किसी पार्टिकल पर कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है, और उसके सरफेस टेंशन को पढ़ना, अगर पार्टिकल रेस्ट में है, जब फ्लूड किस में है, रेस्ट में है, और उसको जब हम स्टडी करेंगे तो वो होता है हमारा फ्लूड स्टैटिक्स। अब उसके बाद आता है हमारा फ्लूड काइनेमेटिक्स। फ्लूड काइनेमेटिक्स के अंदर हम फ्लूड की मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मोशन के कॉज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उस पर कितनी वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है, ठीक है, कितना रोटेशन मोशन है, इन सब चीजों के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, विदाउट कॉजिंग, जो हमारे पास उस मोशन का कॉज कौन है, ठीक है, या फिर उस पर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स को हम स्टडी नहीं करेंगे। अब आती है आपके पास थर्ड जो इसका पार्ट है, वो है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या करेंगे हम, फ्लूइड डायनेमिक्स में उसके वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही उस पर लगने वाले प्रेशर और फोर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्टैटिक्स में क्या था, स्टैटिक्स में हम जो प्रेशर है पढ़ रहे थे वो स्टैटिक प्रेशर था, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास क्या है,
ये इसकी जो है अलग अलग क्या है ब्रांचेज हैं फ्लूड मैकेनिक्स की। तो ये तो थे हमारे फ्लूड मैकेनिक्स के पार्ट थे कि कौन कौन से इसके अंदर ब्रांचेस, फ्लूड मैकेनिक्स के अंदर ब्रांचेस होती है, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड स्टेटिक्स। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे फ्लूड के बारे में। ठीक है, तो फ्लूड हो गए हमारे दो प्रकार के फ्लूड है, एक है आपका लिक्विड और एक है गैसेस। ठीक है, अगर हम बोले कि फ्लूड होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लूड, ठीक है, आसान भाषा में बोले या फिर जनरल वर्ड्स में, समथिंग विच कैन फ्लो, जो बह सकता है उसको हम बोलते हैं फ्लूड। लेकिन ये तो ना एक जनरल भाषा में हम बोल देते हैं कि जो फ्लो कर सकता है वो हमारा फ्लूड है, इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, टेक्निकली हम इसको कैसे बोलेंगे? तो टेक्निकली क्या हम बोलेंगे कि फ्लूड हमारे पास वो सब्सटेंस है, ठीक है, अ सब्सटेंस, ठीक है, फ्लूड क्या हमारे पास सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस पे हम क्या करें शेयर फोर्स लगाएं, ठीक है, शेयर फोर्स लगाएं, और शेयर फोर्स लगाने पे वो कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होते चला जाए। ठीक है, अगर हमारे पास जैसे जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, अगर उस पर हम थोड़ा सा भी, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये वाला मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर पे मैं शियर स्ट्रेस लगाता हूँ, ठीक है, ये वाला मार्कर है, ठीक है, इसमें मैं शियर फोर्स लगाता हूँ इधर और इधर, ठीक है, थोड़ा सा मान लीजिए मैंने थोड़ा सा शियर फोर्स लगाया, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, ठीक है, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, शेयर फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा, जैसे फोर्स लगाता हूँ शेयर फोर्स, ये वाला इधर और ये वाला इधर, शेयर फोर्स इधर लगा रहा हूँ और इधर लगा रहा हूँ, यानी कि शेयर प्रेशर लगाऊंगा इधर की तरफ, और जो अपोजिट में निकलेगा वो क्या होगा स्ट्रेस, तो मैं इस पर फोर्स इधर लगाता हूँ और एक फोर्स इधर लगाता हूँ शेयर फोर्स। अब मैं थोड़ा सा अगर इस पर फोर्स लगाऊं 1 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, कुछ फोर्स तक क्या होगा कि ये डिफॉर्म नहीं होगा, मान लेते हैं हमारे पास 10 न्यूटन तक ये है जो डिफॉर्म नहीं होता, और 10 न्यूटन के बाद क्या हो जाता है ये डिफॉर्म हो जाता है। लेकिन फ्लूड में ऐसा नहीं है, फ्लूड में क्या होता है जैसे ही हम उस पर शियर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, या फिर शियर स्ट्रेस लगाएंगे, ठीक है, हम तो अप्लाई नहीं करते, हम तो शियर फोर्स अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस तो अपने आप निकल कर आता है, ठीक है, जैसे ही हम उस पर शियर फोर्स लगाएंगे वो क्या होगा कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होगा, ठीक है, थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे वो डिफॉर्म होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो फ्लूड क्या है, फ्लूड हमारे पास वो सब्सटेंस है जिसपे हम जितना भी शेयर फोर्स लगाएं वो कंटिन्यूअसली क्या होता चला जाएगा डिफॉर्म होता चला जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया फ्लूड के बारे में, दूसरी बात यह है हमारे फ्लूड के बारे में कि फ्लूड है ना उसकी अपनी को शेप नहीं होती, जैसे सॉलिड सब्सटेंस है इसकी अपनी को शेप है, सिलेंड्रिकल है, लेकिन क्या है उसका फ्लूड की अपनी कोई शेप नहीं होती, वो दूसरे की शेप को लेता है। दूसरे की शेप को लेने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए इसमें से मैं इसके मार्कर के अंदर से जो इसका इंक जिसमें डालते हैं उसको निकाल दूं, और इसमें मैं फ्लूड यानी कि लिक्विड या फिर वाटर डाल देता हूँ, वाटर भी क्या हमारे पास फ्लूड है, उसको इसमें डाल दूं, ठीक है, तो क्या होगा हमारा जो वाटर है वो इसकी शेप ले लेगा। अब उसी वाटर को अगर मैं किसी दूसरे वेजल में डालता हूँ, किसी दूसरे बर्तन में डालता हूँ, तो क्या होता है वो दूसरा क्या कर लेगा शेप ले लेगा किसी और का, तो इसके पास अपनी कोई शेप नहीं होती, फ्लूड के पास वो क्या करता है दूसरे की शेप लेता है। ये तो हो गया हमारे फ्लूड के बारे में जानकारी कि फ्लूड क्या होता है। उसके बाद होता है हमारा, अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्लूड की क्लासिफिकेशन भी होगी इसमें, फ्लूड में गैसेस होती हैं और लिक्विड होते हैं, इसमें कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है, वो टर्म आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि उन ये वाली जो कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, फ्लूड टर्म्स हैं, इनमें से भी आपके पास एसएससी जेई में से, इनमें से एसएससी जेई के अंदर है जो प्रॉब्लम पूछ लेता है। सबसे पहली आपके पास डेंसिटी, डेंसिटी और मास डेंसिटी, ठीक है,
डेंसिटी क्या होती है हमारे पास? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बोलो या फिर मास डेंसिटी बोलो, ठीक है। तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, और मास की यूनिट क्या है? केजी, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, ठीक है। सो किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स, या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, बोलते हैं डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी को। ये तो हो गई हमारी डेंसिटी। उसके बाद है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी बोल दो या फिर स्पेसिफिक वेट, ठीक है। वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट, ओके। वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट, ये क्या होता है हमारे पास? एक वॉल्यूम के अंदर कितना वेट होता है, या फिर वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हम रोजी से भी शो कर सकते हैं। वेट पर यूनिट वॉल्यूम और इज इक्वल टू रोजी। अब ये रोजी कैसे आया? वेट का होता है एमजी, ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये वाले देखो क्या है हमारे पास, मास। हमको बताया डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम क्या होगा हमारे, सॉरी मास क्या होगा फिर? मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब इस मास की जगह हम क्या लिख देंगे, ये वॉल्यूम यूनिट तो है मीटर क्यूब, या फिर इसको ना वॉल्यूम ही रहने दो, भी छोड़ो, ठीक है। सो मास बराबर रो मल्टीप्लाई बाय वी। अब वी से वी कैंसिल, यानी कि वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो इसलिए हमने उसको लिख दिया रो जी, रो जी, ठीक है। ये क्या था हमारा, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, यही यूनिट निकल कर आएगी रो जी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम है जो हमारा, वो क्या होता है, रिवर्स होता है किसका, स्पेसिफिक वेट या फिर वेट ऑफ, सॉरी वेट डेंसिटी का। ये क्या हो गया, वन डिवाइड बाय रो जी, या फिर वॉल्यूम डिवाइड बाय वेट। स्पेसिफिक वॉल्यूम ये क्या होता है, इनवर्स होता है किसका, स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी का। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म और आती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। ये होता है जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, ये होता है हमारा रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब इसका जो है हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास, हमको किसी वाटर, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी हो, ठीक है, और हमको गिवन हो उसकी रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो निकालनी है डेंसिटी, उससे ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी,
या तो हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होगी, ठीक है, अगर हमसे पूछेगा कि हमको निकालनी है डेंसिटी और हमको गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, या फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड वाटर, ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है हमारे पास 1000, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस से, तो हमारे पास है जो डेंसिटी निकल कर आ जाएगी जिस सब्सटेंस की हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी गिवन हो या फिर है, ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है और उसकी डेंसिटी निकालने के लिए बोले तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए बोले और आपको डेंसिटी गिवन है किसी सब्सटेंस की, देखो ये और ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे, ठीक है, अगर ये गिवन, ये निकालनी है तो ये गिवन होगा, ठीक है, अगर ये निकालनी है तो ये गिवन होगा, ये क्या होती है 1000, ठीक है, हम इसको हम थोड़ा याद कर लेंगे, ठीक है, कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितनी 1000, ठीक है, तो ये क्या थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी, ठीक है, ये आपको है ना जो एग्जाम के लिए है ध्यान में रख लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है, हो सकता क्या, होता भी है डायरेक्ट एग्जाम में इसी से रिलेटेड हमारे पास है जो SSC JEE के अंदर प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन है पूछ लेता है, आप देखोगे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो, जब मैं आपके पास है जो प्रॉब्लम्स कराऊंगा आप उसमें देख लेना कि आपको किस तरह से इसमें डायरेक्ट है जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट, इसके बाद हम लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, तो फ्लूड की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एक विस्कोसिटी, ठीक है, अब इसके पास हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी क्या होता है, देखो हमने जो आपने अगर मोशन में पढ़ा हो, ठीक है, मोशन में क्या होता था, जब हम मोशन में होते हैं, ठीक है, तो मोशन को कुछ चीज अपोज करती है, ठीक है, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना, ठीक है, इसी तरह से अगर हम मोशन में हैं और सामने से स्पीड में हवा चल रही है हमसे, ठीक है, मैं इधर की तरफ भाग रहा हूं और हवा इधर की तरफ से मेरी तरफ मूव कर रही है, तो वो जो हवा होगी, ठीक है, एयर होगी, वो मुझे क्या करेगी, अपोज करेगी, अपोज करेगी मीन्स मुझको रजिस्ट करेगी, ठीक है, तो जो एयर है वो एज अ रजिस्टेंस होगी मेरे लिए, इसी तरह से क्या होता है, विस्कोसिटी होती है किसके लिए, मोशन ऑफ फ्लूड के लिए, अब जब फ्लूड मोशन में है, ठीक है, अगर फ्लूड मोशन में है तो क्या होगा, उसको कुछ चीज अपोज करेगी, ठीक है, उसको जो रेजिस्टेंस अपोज करेगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो फ्लो को रेजिस्टेंस करे या उसको रोके या उसकी मोशन को कम करे, वो क्या होता है हमारे पास, विस्कोसिटी। अभी विस्कोसिटी कैसे काम करती है, देखो विस्कोसिटी ऐसे काम करती है कि हमारे पास जो ये वाले फ्लूड होते हैं, फ्लूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनमें आपस में अट्रैक्शन का फोर्स होता है, चलो उसको मैं बाद में बताता हूँ, इसको आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, अगर मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर है जो लिक्विड फ्लो कर रहा है इस तरह से, अब जो हमारा फ्लूड होता है ना, जब वो फ्लो करता है तो वो लेयर वाइज लेयर फ्लो करता है, तो क्या होगा, ये क्या है हमारी, ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस और ये वाला फ्लूड है जो इसके ऊपर फ्लो कर रहा है, अब क्या होगा,
जो सबसे एक लेयर मान लेते हैं यहां पे जो बिल्कुल इससे टच है, जो लेयर बिल्कुल इससे टच है उस लेयर का मोशन हम मान लेते हैं जीरो। ठीक है, ये मान के चलते हैं हम, जो बिल्कुल सरफेस से टच जो लेयर है, ठीक है, जो सरफेस से टच लेयर है उसका मोशन कितना है, जीरो। उसके बाद उससे ज्यादा मोशन किसका है, इस वाली लेयर का, फिर उससे ज्यादा इस वाली लेयर का, फिर उससे ज्यादा इस वाली लेयर का, उससे ज्यादा इस वाली लेयर का। अगर पाइप के अंदर फ्लूड फ्लो कर रहा है तो सबसे ज्यादा जो मोशन होगा यानी कि जो स्पीड होगी वो मिड में होगी, ये आप है जो फ्लूड डायनेमिक्स में या फिर आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप के अंदर होता है ना, उसमें पढ़ोगे आप। अब क्या होगा, फ्लूड के जो मॉलिक्यूल होंगे, यहां पे बैठे हैं मॉलिक्यूल मान लीजिए, ये वाले मॉलिक्यूल, अब फ्लूड के ये वाले जो मॉलिक्यूल होंगे इस लेयर के, ठीक है, इस लेयर के जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी वेलोसिटी या फिर जो स्पीड है, अगर हम इसको जीरो मान लें कि ये जीरो स्पीड पर है, तो इनकी वेलोसिटी और स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। अब मॉलिक्यूल के बीच है जो कोहेजन फोर्स होता है यानी कि अट्रैक्शन का फोर्स होता है। अब ये वाले जो मॉलिक्यूल है तो यहां पे है, इन वाले मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है इन वाले मॉलिक्यूल से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जब ये वाले मॉलिक्यूल ज्यादा वेलोसिटी से इन कम वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स के पास से जाएंगे तो ये क्या करेंगे, अपने पास अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। ये कहेंगे यार कहाँ जा रहा है यार, आ जाना, पीछे चलते हैं घूम लेंगे, ठीक है बाद में चलेंगे। लेकिन ये वाले कहते हैं नहीं नहीं यार मुझे तो जाना है। ठीक है, तो ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स इन वाले मॉलिक्यूल्स की जो है वेलोसिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और वेलोसिटी को अगर कम कर देंगे तो क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब वो जो रेजिस्टेंस होगा और वो रेजिस्टेंस क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। ठीक है, टेंजेंशियल होगा और अपोजिट होगा किसके, मोशन के। और उस वाले रेजिस्टेंस को, ठीक है, जो फ्लो को रजिस्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास विस्कोसिटी होगी। अब इसमें एक कंसेप्ट और निकल कर आता है हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है, और ये वाली होगी हमारे पास स्पीड। ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहां पे तो है वेलोसिटी का वेक्टर इतना, यहां पे है वेलोसिटी का वेक्टर इतना, यहां पे है वेलोसिटी का वेक्टर इतना, यहां पे है वेलोसिटी का वेक्टर इतना। ठीक है, तो यहां पे जो क्या होगा, ये एक लीनियर रिलेशन बनेगा। ठीक है, वो लीनियर रिलेशन क्या बताएगा, वो लीनियर रिलेशन हमें बताएगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू डिवाइड बाय डी वाई। ये हो गया डी यू, ये हो गया डी वाई। ये डी यू डिवाइड बाय डी वाई, ठीक है, डी वाई, डी वाई को अगर मैं छोटा कर दूं, ठीक है, तो डी यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो शियर स्ट्रेस होता है हमारा, ठीक है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट।
अब ये वाला जो शियर स्ट्रेस है ये आएगा कैसे? ठीक है, ये वाले जो मॉलिक्यूल है, इस वाले मॉलिक्यूल क्या करेंगे? रोकेंगे। ठीक है, रोकने का मतलब है फोर्स लगाएंगे। ठीक है, कोहेसिव फोर्स लगाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारे पास कोहेसिव फोर्स होता है। ये वाले मॉलिक्यूल्स इस वाले मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? रोकेंगे। वो इससे कहेंगे नहीं यार आगे मत जा, तू रुकना, थोड़ा सा रुक, फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अपनी तरफ क्या है? फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये वाले मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ फोर्स लगाएंगे और ये वाले मॉलिक्यूल्स कहेंगे नहीं यार तू ही आ जाना हमारे साथ। ठीक है, ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? उसको आगे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये वाले मॉलिक्यूल्स चाहेंगे कि यार नहीं तुम आगे की तरफ चलो। ठीक है, ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे फिर? ठीक है, ये उसको अपोज करेंगे। अब ये वाले मॉलिक्यूल्स उसको शियर फोर्स लगाएंगे आगे की तरफ। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल्स उसको शियर फोर्स लगाएगा आगे की तरफ। अब हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जितना ये आगे की तरफ शियर फोर्स लगाएगा, ठीक है, उतना ही हमारे पास पीछे की तरफ क्या लगेगा? शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। जो कौन लगाएगा? ये वाला मॉलिक्यूल लगाएगा। ठीक है, इसलिए जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? इस वाले वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग। देखो इसकी वैल्यू है जो चेंज होती जा रही है। इसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। और इसको क्या बोलेंगे हम? शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो जो हमारा क्या होगा? ये शियर स्ट्रेस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट हम इसको बोल देंगे। अब यहां पर विस्कोसिटी भी तो आएगी। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम बताएंगे तो हमारे पास आ जाएगा न्यू। ठीक है, अब ये वाला न्यू है जो, ठीक है, ये हमने कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, तो ये वाला जो न्यू है ये क्या बताएगा? ये वाला न्यू है, ठीक है, ये हमको बताएगा विस्कोसिटी के बारे में, या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब ये वाला जो न्यू है, ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पर? ये डिपेंड करता है सबस्टांस टू सबस्टांस पर। ठीक है, या फिर ये जो अलग अलग तरह के हमारे पास फ्लूड होते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके ऊपर डिपेंड कैसे करता है? अगर हम शहद यानी कि हनी लें, ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी क्या है? कुछ अलग है। वाटर ले तो उसकी विस्कोसिटी अलग है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो है अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग होता है। अब इसकी यूनिट क्या होगी? ठीक है, म्यू इज इक्वल टू स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है हमारे पास? स्ट्रेस यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू। म्यू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय डी वाई ऑल्सो मीटर। ठीक है, अब इस वाले मीटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहां पे। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज इक्वल टू म्यू मीटर पर सेकेंड। अब एक मीटर से मीटर कैंसल और इस वाले मीटर को यहां पे ले आते हैं। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड इज इक्वल टू म्यू। तो विस्कोसिटी की जो यूनिट होगी, ठीक है, वो क्या होगी? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होगी हमारी? इसकी एसआई यूनिट होगी। अब ये तो थी हमारी एसआई यूनिट। ठीक है, अब इसकी एक सीजीएस यूनिट भी होती है। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के लिए। वो क्या होती है? उसको हम बोलते हैं पॉइस। ठीक है, किसके लिए? सीजीएस के लिए। ये क्या हमारे पास? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। वो भी हमारे पास डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका रिलेशन होता है हमारे पास 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 पॉइस।
ठीक है, या फिर वन पॉइज इज इक्वल टू 10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये वाला ना अपोजिट है, ये वाला होगा 1/10 न्यूटन पर सेकंड मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पॉइज। ठीक है, और 1 पॉइज होगा हमारा 1/100 सेंटीपॉइज। ठीक है, ये वाला है ना जो सेंटीमीटर का स्क्वायर था वो करके इसमें आ जाएगा। ठीक है, सो 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये क्या होता है हमारा 1 पॉइज के लिए होता है, और 1 पॉइज होता है हमारे पास 1 सेंटीपॉइज, 1 सेंटीपॉइज, 1 सेंटीपॉइज इज 1/100 पॉइज ओनली पॉइज। ठीक है, ये वाली जो सीजीएस यूनिट है, ठीक है, ये वाला पॉइज भी है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये चीज आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखनी है। 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 10 इज 1 पॉइज। ठीक है, न्यूटन सेकंड डिवाइड बाय 10 मीटर स्क्वायर इज 1 पॉइज, ये चीज आपको इसमें थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है, किसके लिए? डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए। ठीक है, जब वो हमसे सीजीएस के लिए पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास इसका वेरिएशन किस तरह से होता है। ठीक है, वेलोसिटी का वेरिएशन, सॉरी विस्कोसिटी का वेरिएशन। ठीक है, जब अगर हम देखो ये एग्जाम में वैसे आता तो आया तो नहीं है अभी तक। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछने लगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इसके अंदर इसके ऊपर क्या होता है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में विस्कोसिटी है। ठीक है, किसके लिए? लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी? टेम्परेचर बढ़ने पर डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन गैसेज में ऐसा नहीं है। गैसेज में क्या होगा? गैसेज में जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं? ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं जिसमें शेयर स्ट्रेस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।